पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों का भ्रमण कर वहां हुए नुकसान की जानकारी एकत्र की। उन्होंने पीएमजीएसवाई के खड़े नेकाना मोटर मार्ग में हुए नुकसान को देखा तथा इसे तुरंत ठीक करने की मांग की। यहां बता दें कि खड़े मोटर मार्ग अतिवृष्टि के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण सड़क में वाहन चलना तो दूर पैदल चलना भी दूभर होता जा रहा है। ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शामा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी ने कहा कि पूर्व में कई बार सूचित करने के बाद भी आपदा के कारण बंद पड़ी सड़कों को खोलने का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है। उन्होंने प्रशासन से आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा देने तथा बंद सड़कों को यातायात के लिए खोलने की मांग की है। यहाँ पर जो है आपने पहले वीडियो देखी होती कि यहाँ पर पोल भी आने वाला है सड़क में आपदा से, और यहाँ घरों में जाने वाला रास्ता भी नहीं है और पूरा आपदा गया है, और यहाँ पीछे से जो है पूरी आपदा आ गई है और पूरी दरार पड़े ऊपर से हेड से, और वहाँ पर भी घर के सामने जो है मतलब दीवारें नहीं लगी हुई है, और यहाँ से जो पैदल रास्ता था पहले से बहुत पूरा मतलब पूरे से चला आ रहा रास्ता था, वो भी रास्ता बंद पड़ा है गाँव में जाने वाला और खेतों में जाने वाला, और यहाँ ऊपर घरों में और खेतों में जाने वाला रास्ता भी बंद है। ये सड़क पिछली बार जो बनी थी इसमें ठेकेदार के द्वारा इस सड़क निर्माण में ये जो काम हुआ इसमें पक्की नाली न बनाने से ये तमाम भूस्खलन हुआ है और नालियों का पानी कलमट अंडरपास में न जाकर के रोड में गया हुआ है। कई जगह रोड टूट भी गई, खेत भी टूट गए हैं। इसके अलावा यहाँ से आगे को जा कर के इसके ऊपर घर हैं, इन घरों को भी खतरा था, यहाँ से मार्ग बच्चों का आने जाने का रास्ता था वो भी टूट गया है। तो ठेकेदार को विभाग को कई बार बताने के बाद भी उन्होंने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया, और ये दिखाई दे रहा है इतना भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन की वजह से नीचे पक्की नाली न होने से तमाम पानी इस रोड में आ गया है और रोड भी आगे आगे टूट फूट काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हम थोड़ी दूरी पर आगे जाएंगे वहाँ भी इसका बुरा हाल है। ग्रामीणों की लगातार मिल रही शिकायतों पर आज लोक निर्माण विभाग की खड़लेक भनार डाना टिकटा सड़क पर गए। उस सड़क में ग्रामीणों ने जो बताया कि बरसात से पहले ही ठेकेदार जो है वहाँ के जो कार का काम करने वाले जो लोग थे उनने कलमटों के मुंह बंद कर दिए, जिससे ग्रामीणों के आवासीय भवनों को, ग्रामीणों के खेतों को और उनके घास के जो पहाड़ में जो हमारे घास के जो मांगे होते हैं उन पर कहीं ना कहीं वो पूरा पानी जाकर लोगों के। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।